नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो मित्रम में। सीढ़ियां देती हैं उन्नति, वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियां देती हैं उन्नति, और दोष दिवालिया भी करा सकता है। घर की सीढ़ियां वास्तु नियमों के अनुरूप बनाई जाएं तो सदैव ही कामयाबी एवं सफलता की सीढ़ियां बन सकती हैं। बस आवश्यकता है सीढ़ियां बनवाते समय वास्तु के कुछ नियमों का पालन करने की, फिर हम भी जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली सभी कुछ एक साथ पा सकते हैं। सीढ़ियों संबंधी वास्तु नियम क्या हैं? चलिए जानते हैं। मकान की सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, सीढ़ियां जब पहली मंजिल की ओर निकलती हों तो हमारा मुख उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। सीढ़ियों के लिए भवन के पश्चिम, दक्षिण या नैऋत्य का क्षेत्र सर्वाधिक उपयुक्त होता है। नैऋत्य कोण या दक्षिण पश्चिम का हिस्सा सीढ़ियां बनाने के लिए अत्यंत शुभ एवं कल्याणकारी होता है। सीढ़ियां कभी भी उत्तरी या पूर्वी दीवार से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। उत्तरी या पूर्वी दीवार एवं सीढ़ियों के बीच कम से कम 3 इंच की दूरी अवश्य होनी चाहिए। घर के उत्तर पूर्व या ईशान कोण में सीढ़ियों का निर्माण कभी नहीं करवाना चाहिए। इस क्षेत्र में सीढ़ियां बनवाने से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यवसाय में नुकसान एवं स्वास्थ्य की हानि भी होती है तथा गृह स्वामी के दिवालिया होने की संभावना भी निरंतर बनी रहती है। घर के आग्नेय कोण अर्थात दक्षिण पूर्व की सीढ़ियां बनवाने से संतान के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सीढ़ियां यदि गोलाई में या घुमावदार बनवानी हो तो घुमाव सदैव पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर या उत्तर से पूर्व दिशा में होना चाहिए। यदि घर के ऊपर का हिस्सा किराए पर देना हो और स्वयं मकान मालिक को नीचे रहना हो तो ऐसी स्थिति में ऊपर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां कभी भी घर के सामने नहीं बनवानी चाहिए। ऐसी स्थिति में किराएदार को आर्थिक लाभ होता है तथा मकान मालिक को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। सीढ़ियों के आरंभ एवं अंत द्वार अवश्य बनवाना चाहिए। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी के मध्य लगभग 9 इंच का अंतर होना चाहिए। सीढ़ियों के दोनों ओर रेलिंग लगी होनी चाहिए। अक्सर लोग सीढ़ियों के नीचे जूते चप्पल रखने की रैक या अलमारी बनवा देते हैं, यह सर्वथा अनुचित है। सीढ़ियों के नीचे का स्थान हमेशा खुला रहना चाहिए, इससे घर के बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में सहायता मिलती है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।